राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के समापन अवसर पर मेला ग्राउंड में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश तथा अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता दीनानगर के काला पहलवान ने बाजी मारी। उन्होंने इंदौरा मध्य प्रदेश के गौरव पहलवान को मात देकर राज्य स्तरीय हमीर उत्सव कुश्ती प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। इसी प्रकार कुश्ती के दूसरे प्रारूप छोटी माली में हैप्पी हमीरपुर विजेता तथा अभिषेक उन्ना उप विजेता रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे नदौन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री। बड़ी कुश्ती में विजेता पहलवान काला को गुर्ज तथा 15,000 रूपये की नगद राशि, उप विजेता पहलवान गौरव को 11,000 रूपये की नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने छोटी माली के विजेता पहलवान हमीरपुर के हैप्पी को 1,100 रूपये तथा उप विजेता रहे ऊना के अभिषेक को 1,000 रूपये की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पहले पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने विधिवत रूप से अखाड़ा पूजन कर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो हमें जीवन में अनुशासन तथा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उसमें आज खेलकूद प्रतियोगिताओं में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है, जिसमें न सिर्फ हिमाचल से बल्कि दूर दराज से पहलवान इसमें भाग ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छी कुश्तियां होंगी, फेयर गेम होगा और साथ ही साथ हमीरपुर वासियों को नए स्तर देखने को मिलेगा खेल का, और इससे जो देशी जो हमारा खेल है प्राचीन परंपरा का, इसको भी प्रमोट किया जा सकता है। थैंक यू सर।